हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मसीहा। आज हम बनाएंगे अ हेल्दी फूड फॉर आवर हेयर। जी हाँ, आज हम बनाएंगे अ मैजिकल हेयर ऑयल विच इज़ फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये ऑयल आपके स्कैल्प एंड हेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ, ड्राई हेयर, फ्रिजी हेयर, ड्राई स्कैल्प, इन सबसे फाइट करके ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा एंड आपके बालों को हेल्दी, शाइनी, थिकर एंड सॉफ्ट बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये मैजिकल सा हेयर ऑयल। तो हमारा सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे दो एलोवेरा लीव्स यूज़ किए हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इनके ऊपर की सारी डर्ट एंड डस्ट को हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। अब हम एलोवेरा के एजेस जो इनकी एंड्स होती हैं इनको अच्छे से कट कर लेंगे। एलोवेरा के एंड्स में होते हैं टॉक्सिन कैरियर्स जो हमारे ऑयल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एलोवेरा के अंदर पाया जाता है विटामिन ए, ई, B12, सी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, जिंक। यस, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। एलोवेरा लीव्स की स्किन को हम पील नहीं करेंगे बिकॉज एलोवेरा की स्किन इज फुल ऑफ मिनरल्स। हम इसको इसकी स्किन के साथ ही क्यूब्स में कट कर लेंगे। एलोवेरा इज 99% वाटर एंड 1% मिनरल एंड एलोवेरा स्किन इज रिच इन मिनरल्स। तो ये हमारी ऑयल को बहुत ही हेल्दी बनाता है। हम एलोवेरा के क्यूब्स को फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको हम डेली अगर स्किन पर यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन के एक्ने, पिंपल्स, एक्ने मार्क्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को फाइट करके हमें एक क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड कर सकता है। एलोवेरा में पाया जाता है प्रोटोलैक्टिक एंजाइम जो हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है जिससे हमें हेल्दी हेयर प्रोवाइड होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ हो रही है या आपकी स्किन के ऊपर कोई जला हुआ निशान हो तो आप एलोवेरा क्यूब अपने हाथ पर इस तरह से रब कर लीजिए एंड इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन रेजुविनेट होगी जिससे आपको एक हेल्दी स्किन मिल सकती है। अब हम इन एलोवेरा क्यूब्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दो एलोवेरा लीव्स को कट किया हुआ है। तो हमारा एलोवेरा पल्प रेडी है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ फुल ऑफ वाटर। तो अब हम हमारा मैजिकल ऑयल बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल इज रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बालों को सॉफ्ट, हेल्दी एंड शाइनी बनाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स तो हम सबको पता ही होता है। आप अपने चॉइस का कोई भी दो ऑयल यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने जो एलोवेरा का पल्प बनाया था वो मैंने इसमें इन्फ्यूज़ कर दिया है। हमें इसे अच्छे से 15 मिनट्स के लिए पकाना है। डोंट फॉरगेट, हम इसको मीडियम पर भी नहीं रखेंगे। द फ्लेम शुड बी वेरी लो। हम इसको सिमर पे ही पकाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज गार्लिक यानी लहसुन। गार्लिक में पाया जाता है सेलेनियम विच हेल्प्स टू बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ योर स्कैल्प। इसका इन्फ्यूजन हमारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम यूज़ करेंगे जिंजर का एक छोटा सा टुकड़ा। अदरक का इन्फ्यूजन आपके ऑयल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 1, ये आपकी हेयर फॉल को रोक रहा है। ये आपकी स्कैल्प में डीपर पेनिट्रेट करके आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है जिससे आपको हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर मिलता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें इसको पकने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हम इसको बीच बीच में अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ऑनियन। ऑनियन में बहुत सारा सल्फर होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग एंड थिक हेयर प्रोवाइड करता है। ऑनियन से हेयर लॉस प्रिवेंट होता है एंड हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। ऑनियन में पाया जाता है कोलाजिन विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी
स्किन सेल्स, जिससे हमें हेल्दी हेयर ग्रोथ मिलती है। यू कैन सी ऑयल हल्का हल्का सा पक रहा है एंड कलर भी चेंज हो गया है, दैट मीन्स हमारा ऑयल रेडी है। अब आपको लेना है एक कांच का बाउल और इसमें हम डालेंगे 10 टू 12 काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। काली मिर्च इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो धीरे धीरे इस ऑयल में इन्फ्यूज होगा। तो हम अपना ऑयल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। हमारा ऑयल अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, बिकॉज जो एलोवेरा का वाटर है वो अभी भी इस ऑयल में बचा हुआ है। तो हमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, जिसके बाद हमारा ऑयल पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। अभी ये ऑयल कम्प्लीटली रेडी नहीं है। अगर ऑयल में थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो ऑयल ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हम इस ऑयल को 5 डेज के लिए सनलाइट में रखेंगे। धूप बाकी सारा काम कर देगा एंड इन जस्ट 5 डेज ऑयल कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन करोगे देन डबल बॉयलर मेथड यूज़ करना, एज हमने ऑलरेडी बॉयल किया है तो फिर से बॉयल नहीं करेंगे। आप इसको पानी के ऊपर एक किसी कंटेनर में डालकर डबल बॉयल कर सकते हैं। आप इसको वीक में 3 to 4 टाइम्स यूज़ करना एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। ये आपके ड्राई, फ्रीजी, डैमेज्ड हर तरह के हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको वो हेल्दी, शाइनी एंड स्मूथ सॉफ्ट हेयर्स देगा। अगर आपको ये वीडियो एंड ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।